पंगत एक गरीब कुम्हार था। वो मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचा करता था। इसी से उसका और उसके परिवार का गुजारा चलता था। दिवाली नजदीक आ रही थी। इस अवसर पर उसने बहुत सारे मिट्टी के दिए बनाए और बाजार में बेचने चल दिया। लेकिन मंगत की दियों से कुछ खास कमाई नहीं हुई थी। एक दिन जब वो दिए बेचने के चक्कर में एक ही जगह बैठा बैठा थक गया था, तब उफ, सारा दिन गुजर गया, अभी तक एक भी दिया नहीं बिका है। अब उमा और बच्चों के सामने क्या मुंह लेकर जाऊं? परसों दिवाली है और यहाँ हाल ये है कि घर में दिवाली के लिए सामान खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। यही सोच सोच कर वो भारी मन से घर पहुँचा। घर के दरवाजे पर उसकी पत्नी उमा और दोनों बच्चे रमा और राजू बैठे थे। अपने पति का उतरा हुआ चेहरा देखकर उमा सब समझ गई। चलो बच्चों अंदर जाओ, अभी बाबूजी थके हुए आए हैं, बाद में आना। बच्चे भी समझ गए कि उनके बाबूजी आज भी खाली हाथ आए हैं। बेचारे सुबह से पटाखों की आस में बैठे हुए थे, वे भी भारी मन से उठकर अंदर चले गए। हमारे साथ हमेशा ही ऐसा होता है, लगता है इस बार भी हमें दिवाली पुराने कपड़ों में मनानी पड़ेगी। दीदी, हम इतने गरीब क्यों हैं? भगवान हमें अमीर क्यों नहीं बनाता? हम कब तक ऐसे ही गरीब बनकर रहेंगे? कितने दिन हो गए मिठाई का मुंह देखे। सोचा था इस दिवाली पर जी भर कर मिठाई खाएंगे, लेकिन 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 कुछ नहीं, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। उधर उमा मंगत को समझाती है। दिल छोटा ना करो जी, दिवाली परसों है, अभी कल का पूरा दिन बाकी है। भगवान ने चाहा तो हमारी दिवाली भी अच्छी से मनेगी। अब तो बस भगवान का ही आसरा है। उमा की बातों से मंगत को काफी तसल्ली मिली, मगर सिर्फ बातों से ही किसी का पेट थोड़ी ही भरता है। अगले दिन भी मंगत की कोई खास कमाई नहीं हुई। हाँ, उसके पास इतने पैसे आ गए जिससे पूजा का सामान खरीदा जा सके। दिवाली की शाम उमा ने पूजा की सारी तैयारी कर ली थी तथा बच्चों को भी समझा बुझा लिया था। बच्चे तो अभी शांत हो गए थे, मगर मंगत का मन अशांत था। उधर सब लोग पूजा में लगे थे, इधर मंगत के दिमाग में अलग ही उथल पुथल मची थी। हे भगवान, बच्चे भी क्या सोच रहे होंगे कि कैसा बाप है उनका। साल में तो एक बार आती है दिवाली, उसमें भी उन्हें खुशियां नहीं दे पाता उनका बाप। दूसरे बच्चों को पटाखे फोड़ते देख इनके मन पर क्या गुजरेगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरे बच्चे भी जरूर पटाखे छुड़ाएंगे और जी भर कर मिठाई भी खाएंगे। हाँ हाँ, जी भर कर मिठाई खाएंगे और पटाखे छुड़ाएंगे। हाँ, ऐसा होगा, जरूर होगा। पूजा खत्म होने के तुरंत बाद ही मंगत घर से निकल पड़ा। दिवाली की रात बड़े बड़े रईस जादे जुआ खेलने और शराब पीने अपने घर से बाहर निकल जाते हैं और उन अमीर जातों के बंगले खाली हो जाते हैं। हाँ, आज इन्हीं बंगलों में से किसी एक में सेंध लगाकर मैं अपने बच्चों के लिए खुशियाँ खरीदूंगा। मंगत चौकनी निगाहों से हर बंगले को देख रहा था। आखिरकार उसे एक बंगला नजर आ ही गया। वहाँ ना तो कोई चौकीदार था ना ही कोई कुत्ता। मंगत उस बंगले में घुस गया। अभी वो कमरों को टटोल ही रहा था कि तभी घर के पीछे बने लॉन से पहले एक धमाके की आवाज आई, फिर किसी बच्ची के चीखने की आवाज आई। फंस गया, लगता है घर के लोग पीछे हैं। मुझे जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए। मगर लॉन से बच्ची के लगातार रोने की आवाज आ रही थी। कहीं बच्ची अकेली तो नहीं और कहीं पटाखे छुड़ाते समय जलवल तो नहीं गई? मुझे एक बार चुपके से देखना चाहिए। इतना सोचकर मंगत घर के पिछवाड़े जाता है। वहाँ वो देखता है कि एक छोटी सी बच्ची जिसके पैर पोलियो के चलते खराब हो गए थे वहाँ गिरी हुई थी। उसका हाथ जला हुआ था और उसकी व्हील चेयर भी दूर गिरी हुई थी। मंगत को उस पर दया आ गई। अरे, इसकी उम्र तो मेरी रमा बिटिया जितनी है, बेचारी का हाथ जल गया है, शायद पटाखे चलाते समय। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए।
इतना सोचकर मंगत वहाँ जाता है और उस रोते हुए बच्ची को वहाँ से उठाता है। उसे देखकर बच्ची भी रोना बंद कर देती है। आप कौन हो? मम्मी पापा घर पर नहीं है, वे अपने दोस्तों के घर पार्टी करने गए हैं। क्या तुम्हें अकेला छोड़कर दोनों ऐसे ही चले गए? हाँ, वो लोग ऐसा ही करते हैं, मुझे कहीं साथ लेकर नहीं जाते हैं, मैं चल नहीं सकती हूँ ना। बच्ची की बातें सुनकर मंगत का दिल भर आया। वो भूल गया कि वो वहाँ चोरी के इरादे से आया था। बच्ची की भोली बातों ने उसके दिल पर जादू सा असर किया था। उस दिल से भरा सारा पाप बह गया था। तुम चिंता मत करो बेटी, मैं अभी तुम्हारे हाथ पर दवा लगा देता हूँ। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम अंजलि है। आप कौन है और कहाँ से आए हैं? बस समझ लो, मुझे तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हारा ख्याल रखने के लिए ही भेजा है। लो, अब मैंने दवा लगा दी है, सुबह तक तुम्हारा हाथ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तुमने खाना खाया? नहीं। मंगत रसोई से उसके लिए खाना लाता है। लो, खाना खा लो। मैं कैसे खाऊं? मेरे हाथ पर तो दवा लगी है अंकल। मंगत मुस्कुरा देता है। उसके बाद वो अपने हाथों से अंजलि को खाना खिलाता है। उसके बाद दोनों वापस लौट जाकर थोड़े पटाखे भी छुड़ाते हैं। अंजलि बहुत खुश होती है। आज जिंदगी में पहली बार अंजलि बहुत खुश होती है। आप कितने अच्छे हो अंकल, मुझे छोड़कर अब कभी मत जाना। मंगत कुछ नहीं बोलता, बस मुस्कुरा कर देता है। तभी दरवाजे पर आवाज आती है। अंजलि के मम्मी पापा घर वापस आ गए थे। कौन है तू? घर खुला देखा नहीं और घुस गया चोटता कहीं का? अजी देख क्या रहे हो, बुलाओ पुलिस को। पुलिस तो आएगी ही, पहले मैं तो इसकी खबर ले लूं। इतना कहकर वो मंगत पर खिल पड़ते हैं और उसे मारते मारते बेदम कर देते हैं। बेचारी अंजलि किसी तरह अपनी व्हील चेयर पर आती है और बड़ी मुश्किल से मंगत को बचाने की कोशिश करती है। मम्मी पापा इन्हें मत मारो, इन्होंने कुछ नहीं किया है, ये तो बहुत अच्छे हैं, इन्होंने मेरी जान बचाई है। अगर आज ये अंकल ना होते तो मैं आप लोगों के सामने जिंदा नहीं होती। इसके बाद अंजलि अपने साथ हुई सारी घटना अपने मम्मी पापा को बता देती है। अंजलि की बात सुनकर उसके मम्मी पापा को बहुत ग्लानी होती है। हमें माफ कर दो, हमसे बड़ी भूल हो गई। तुमने हमारी बच्ची के लिए इतना किया और हमने तुम पर ही हाथ उठाया। धिक्कार है हम पर, धिक्कार है। ऐसा ना कहे हुजूर, मैं तो खुद चोरी करने आपके घर में घुसा था, मगर अंजलि बिटिया की भोली भाली बातों ने मुझे इस बात से बचा लिया। चोरी करने? फिर मंगत उन्हें अपनी सारी व्यथा बताता है, जिसे सुनकर उनका दिल पिघल जाता है। इसके बाद अंजलि और उसके माता पिता मंगत के साथ ढेर सारे पटाखे और मिठाइयाँ लेकर उसके घर पहुँचते हैं। घर के सामने उमा उदास बैठी थी और उसके दोनों बच्चे दूसरों को पटाखे छुड़ाते थे, मन महसूस कर रह रहे थे। तभी मंगत को देखकर दोनों उसके पास भाग कर जाते हैं। अंजलि के माता पिता उन्हें पटाखे और मिठाइयाँ देते हैं। इतने ढेर सारे पटाखे देखकर उनकी आंखें चमक जाती हैं और मुरझाए चेहरे खिल उठते हैं। फिर दोनों उमा की ओर मुड़ते हैं और कहते हैं, आज तुम्हारे पति की वजह से ही हमारी बच्ची हमें सही सलामत मिल पाई है, इसलिए अब हमने फैसला किया है कि आज से आप लोग भी हमारे साथ ही रहोगे। ये सुनते ही उमा की खुशी का ठिकाना न रहा। सचमुच दिवाली की वो रात उनके जीवन